फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती कढ़ी, जो एकदम खट्टी मीठी सी होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हम इसे चावल के साथ, चपाती के साथ या आपका जैसा मन करे आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खट्टा दही लिया है। खट्टे दही से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, आधी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच राई है और आधी चम्मच से भी कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच चीनी ली है और 1 पिंच मैंने हींग का लिया है। 3 हरी मिर्च ली है। मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने 3 ली है। आधा चम्मच अदरक का टुकड़ा है और 6-7 कलो लहसुन की है। थोड़ी सी धनिया पत्ती है। 1/2 चम्मच मैंने मेथी दाना का लिया है और 4 से 5 मैंने लौंग ली है और 2-3 मैंने कड़ी पत्ता लिया है। और कढ़ी बनाने के लिए हमें तेल चाहिएगा। आप चाहे तो इसे घी में भी बघार सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे। एक बर्तन में हम सारा दही डाल देंगे। इसे कुछ देर फेंट लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियां होगी वे अच्छे से फिट जाए इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इसे पानी डाल के थोड़ा पतला कर लेंगे। आप चाहे तो छाछ की भी कढ़ी बना सकते हैं। छाछ की कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे पूरा फेंट लिया है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ हल्दी पाउडर मैंने बिल्कुल बहुत ही कम लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क कलर की कढ़ी नहीं चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसी के साथ हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। तो गाढ़ी या पतली आप अपने स्वाद अनुसार इसे रख सकते हैं। गैस चालू करके मैंने गैस पे पैन रख दिया है और पैन में हम तेल डालेंगे। तो यदि आप घी की कढ़ी पसंद करते हैं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे तेल में ही बना रही हूँ। तो तेल को गर्म होने देते हैं हम। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और 5-6 जो लौंग ली है हमने इसमें वो डाल देंगे। मेथी दाना डालेंगे, हींग डाल देंगे। हींग से कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हम ये कढ़ी पत्ता भी इसमें डाल देंगे। और जो हमने घोल तैयार किया था वो घोल अब हम इसमें डाल देंगे। अभी आप इसे थोड़ा पतला ही रखें घोल को, क्योंकि ये थोड़ा बॉईल होगा तो अपने आप ही कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसे रखा है। अब हम थोड़ा कढ़ी को बॉईल होने देते हैं। तो देखिए, कुछ ही देर में कढ़ी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ी को हम 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं। हम बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कढ़ी का बॉईल बिल्कुल ऊपर ना आ जाए कढ़ाई से। तो देखिए, 5 से 7 मिनट की में कढ़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कढ़ी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।